आज की जो वीडियो है 5 अगस्त पर हम अपने हैं। 5 अगस्त के कौन कौन से सेक्टर्स हैंगे और 5 अगस्त के सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर उनकी प्राइस क्या है, लोकेशन वाइज प्राइस होती हैं, जो लोकेशन के हिसाब से प्राइस भी वेरी करती हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा। एक ही सेक्टर होता है और एक ही सब सेक्टर उसके अंदर होते हैं, 2 या 3 या 4, इसके अंदर 5 अगस्त होते हैं प्लॉट, और फिर वहाँ पर जो उनकी प्राइस उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डीएचए सिटी रैबर तरक्की और कमाल। जैसे कि आपने मेरी गुज़िश्ता सीरीज सुनी देखी होगी 125 यार्ड, 200 यार्ड, 300 यार्ड, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 500 यार्ड पर। 500 यार्ड पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनके सब सेक्टर कौन से, उनकी लोकेशन क्या है। तो सेक्टर टू के अंदर हम चलते हैं। सेक्टर टू के अंदर, टू डेल्टा के अंदर 500 यार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 ABC में तो 300 यार्ड है, लेकिन 2 डेल्टा या 2D 500 यार्ड के वहाँ पर प्लॉट हैं रेजिडेंशियल, और वहाँ पर उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 85 से ले स्टार्ट होती है, 85 to 110, 85 से लेकर 1 और 10 लाख के बिटवीन है। इसके अलावा सेक्टर थ्री आ जाता है, सेक्टर 3A और 3B, दो सब सेक्टर हैं 3 के, जहाँ पर 500 यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, वहाँ पर जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये से लेकर और 1 करोड़ रुपये 35 लाख रुपये तक है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख रुपये तक सेक्टर थ्री की प्राइस है। फिर इसी तरह सेक्टर थ्री के बाद सेक्टर फोर आया था, 4 डेल्टा के अंदर 500 यार्ड की रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 4 डेल्टा के अंदर जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 70 to 85 के बिटवीन है। इसके बाद सेक्टर फाइव है, 5 अल्फा, 5 ब्रावो, 5 चार्ली, 5A, 5B, 5C, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है सब सेक्टर के ऊपर। अब वहाँ पर जो प्राइस चल रही है इस वक्त वो भी 75 से लेकर और 100 के बिटवीन है, 75 से 100 के बिटवीन, 25 लाख रुपए का बीच में गैप है लोकेशन का। फिर वो जाहिर सी बात है कमर्शियल फेसिंग है, ड्रेनेज के पास है, कुछ किधर है, कहाँ है, गोला क्लियर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर 6, 6A, 6B और 6C। 6 अल्फा ब्रावो जो है वो रेड जोन है, उसका ऑफिशियल मैप भी आपको डीच सिटी के वेबसाइट से मिल सकता है। तो और 6 चार्ली अभी येलो जोन है, अंडर डेवलप एरिया। तो 6A में या 6B के अंदर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन कुछ 70 to 90 के बिटवीन प्लॉट आपको रेजिडेंशियल मिल जाता है, और अगर 6 चार्ली की बात करते हैं तो 500 यार्ड तो वहाँ पर जो है तकरीबन कोई प्लॉट मिलते हैं वो 65 से लेकर 80 के बिटवीन। सेक्टर टू में भी कंस्ट्रक्शन अलाउ हुआ है, 3 में भी अलाउ हुआ है, सेक्टर 5 में भी कंस्ट्रक्शन अलाउ हुआ है, सेक्टर 6A भी रेड जोन हो चुका है, ऑफिशियल मैप आ चुका है, वहाँ कंस्ट्रक्शन की परमिशन आपको मिल सकती है, साइट प्लान मिल सकता है। फिर इसके बाद आता है सेक्टर 7, 7 अल्फा, 7 ब्रावो, 7 डेल्टा, क्योंकि 7 चार्ली में 1000 यार्ड है, तो 7A, B, D यहाँ पर 500 यार्ड की कैटेगरी है। तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस इस वक्त डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर 70 to 90, 70 से 90 लाख रुपये तक है। इसके बाद सेक्टर 8 आता है, 8 के अंदर जो 500 यार्ड, 8A, B, C, D, E, यहाँ पर जो 500 यार्ड की प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन वो भी 65 से लेकर और 85 के बीच में है। फिर हम सेक्टर 9 आ जाता है, 9 अल्फा ब्रावो, 9AB के अंदर 500 यार्ड है, 9AB भी रेड जोन हो चुका है, और उसका ऑफिशियल मैप आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की परमिशन आप ले सकते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और ऑफिशियल मैप भी आ चुका है, इसका साइट प्लान भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लीज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन कोई 75 से लेकर 85 तक है। इसके बाद सेक्टर 10 है, 10A, B, C, D, यहाँ पर भी 500 यार्ड रेजिडेंशियल प्लॉट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर भी तकरीबन कोई 60 से लेकर और 85 के बिटवीन में। सेक्टर 11 में भी 11A, B, C, D और 11E में भी कुछ चंद एक प्लॉट्स हैं 500 गज के, लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन जो प्राइस है वो भी 65 से लेकर 85 के बिटवीन है। ये सारी प्राइस जितनी मैं बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, सब सेक्टर्स के ऊपर, प्लॉट की लोकेशन के ऊपर, ये सारी जनरल लोकेशन है। फिर 11 के बाद आया था 12A, B, 12C, 12D। 12A भी रेड जोन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका ऑफिशियल मैप वेबसाइट पर नहीं आया, और 12A में भी 500 है, B में भी, C में भी और D में भी। यहाँ पर अगर हम AB की बात करते हैं
ए बी में 9 ए बी की जितना रेट है तकरीबन कोई 70 से लेकर और 85 के बिटवीन, और जो येलो जोन है येलो जोन तकरीबन कोई 65-70 से लेकर 85 के बिटवीन है 12 चार्ली डेल्टा में। इसके बाद 13 बी के अंदर कुछ प्लॉट हैं, 13 ई के अंदर कुछ प्लॉट हैं 500 यार्ड के, तकरीबन वहाँ पर जो रेट है वो भी यही है कोई 65 से 75 के बिटवीन। इसके बाद 14 चार्ली है, 14 चार्ली में कंस्ट्रक्शन अलाउ है, वहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट है, 14 बी में घर भी बन रहे हैं, 14 ए में भी घर बन रहा है, 14 डी में भी घर बन रहा है, तो 14 चार्ली उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन कोई 70-75 के अराउंड मिल जाता है आपको प्लॉट जनरल लोकेशन का। 14 के बाद 15 में भी 500 यार्ड हैं, 15 में भी और 16 में भी 500 यार्ड हैं, तो यहाँ पर ये भी अंडर डेवलप एरिया है, तो यहाँ पर जो तकरीबन प्राइस है वो भी 65-85 के दरमियान आपको जनरल लोकेशन के प्लॉट मिल जाते हैं। जितने भी मैंने प्राइस अभी तक बताई हैं चाहे 125 यार्ड के हो, 200 के हो, 300 के हो, अब ये 500 यार्ड के आज भी बना रहा हूँ, ये डिपेंड करता है प्राइस सब सेक्टर्स के ऊपर, सब सेक्टर्स के ऊपर उनके लोकेशन के मुताबिक ये सारी प्राइस हैं। जितनी भी मैं प्राइस अभी इस वक्त करंट मार्केट की बताई है आज जो 3 अक्टूबर आज की मतलब आज तक के जो रेट मैंने आपको बताया इसमें कॉर्नर इंक्लूड नहीं होगा, अगर कॉर्नर का प्लॉट होगा डेफिनेटली उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी प्राइस भी एक्स्ट्रा होती है, थोड़ी सा डिफरेंस होता है 10% 20% का डिफरेंस आता है। किसी भी किस्म की सेल परचेज के हवाले से मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने साइट विजिट करना है तो मैं आपको साइट भी विजिट कराऊंगा, और अगर आपने अपने प्लॉट की वैल्यू मालूम करनी है करंट वैल्यू आपकी क्या चल रही है आपके प्लॉट की, चाहे वो 125 यार्ड हो चाहे 2000 यार्ड हो, किसी भी कैटेगरी का प्लॉट हो या फिर कमर्शियल प्लॉट हो, तो इंशाल्लाह आप मुझे कॉल करें या मुझे मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप पर भी सेम नंबर है, इंशाल्लाह मैं आपके प्लॉट की वैल्यू बताऊंगा। किसी भी सेल परचेज के हवाले से भी मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रशीद अहमद 03242992 अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।